मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था किसी मुस्लिम नेता ने इस हत्याकांड की अभी तक निंदा नहीं की। किसी ने यह नहीं कहा कि इन सबको पकड़िए, अब बहुत हो गया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हत्यारा हत्यारा होता है। किसी सेकुलर नेता ने अभी तक वहां जाने की जहमत नहीं उठाई है, उसके परिवार को सांत्वना देने का प्रयास भी नहीं किया है। अब बहुत हो गया है, अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कसूर था रिंकू का? सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे उसने शोभा यात्रा निकाली, उसका यही कसूर था कि वो मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम कर रहा था, उसका यही कसूर था कि वो मुस्लिम बस्ती के अंदर रहने वाला इकलौता परिवार का सदस्य था। अब ये बर्बरता स्वीकार नहीं की जा सकती, कानून को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। हिंदू समाज अब और हत्याओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। जब से राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, सेकुलरवादियों ने जिस तरह का बवाल मचाया है ये उसी का परिणाम है। जिम्मेदार है वो सारी सेकुलर बिरादरी जो जिस प्रकार का जहर धर्म रक्ष इस निधि समर्पण के लिए पैदा कर रही है, राम मंदिर के लिए पैदा कर रही है, ये उसी का दुष्परिणाम सामने देखने को मिल रहा है। कभी मध्य प्रदेश में, कभी गुजरात में, और अब दिल्ली में। और कितनी हत्याएं ये करेंगे? अब ये हत्याएं स्वीकार नहीं होंगी, ये रुकनी चाहिए, वरना हिंदू समाज इनका जवाब देगा।